दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हर साल हजारों एनिमल्स और लाखों पक्षी बिजली के झटके से मारे जाते हैं। आज इंसानों की उन्नति जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो रही है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो दिखाएंगे जिनमें जानवर बिजली के करंट से जिंदा ही जलकर मर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये पक्षी एक बिजली के खंभे पर आराम से बैठकर मौसम का आनंद ले रही है, लेकिन इस बेचारी चिड़िया को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आज ये बिना वजह ही मारी जाएगी, क्योंकि वो जहाँ पर बैठी है वहाँ से हजारों वोल्ट की बिजली गुजर रही है। अब अचानक ही कुछ देर बाद चिड़िया को एक जोरदार झटका लगता है। इस हजारों वोल्ट के झटके की वजह से इस चिड़िया के शरीर हवा में ही राख हो जाता है। दोस्तों आखिर यहाँ पर इस मासूम चिड़िया की क्या गलती थी? दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए और इस तरीके से कोई और चिड़िया न मारी जाए। दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि बंदर कितने ज्यादा शैतान होते हैं। इस वीडियो में देखिए आप, ये शैतान बंदर बिजली के तारों पर चलने लगता है। शुरू में तो ये बंदर एक तार के ऊपर चलता रहता है, जिससे कि बंदर को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक तार पर चलने की वजह से बिजली का सर्किट पूरा नहीं होता। लेकिन ये बंदर जैसे ही दूसरे तार को छूता है, तभी एक जोरदार सर्किट होता है और बंदर की वहीं पर ही वाट लग जाती है। अब यहाँ पर इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये चिंपांजी एक बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली के तारों पर चलने लगता है। इसमें सारे वायर ब्लैक रबर से कवर थे, इस वजह से शुरुआत में तो चिंपांजी को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन चिंपांजी आगे बढ़ता हुआ लाइट पोल के पास पहुंच जाता है, जहां पर कनेक्शन के लिए तार ओपन होते हैं। अब लाइट पोल के ऊपर पहुंचते ही ये चिंपांजी नंगे तार को छू लेता है, जिससे कि चिंपांजी को एक जोरदार झटका लगता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब चिंपांजी की तरह ये भालू भी लाइट पोल के ऊपर चढ़ जाता है। अब इस पोल के ऊपर चढ़ते ही भालू को बिजली का झटका लग जाता है, जिससे एक बार के लिए तो ये भालू सावधान हो जाता है और वो नीचे उतरने लगता है। लेकिन यहाँ पर भालू की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब वो जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करता है, उसका पैर दूसरे वायर से टच हो जाता है, जिसकी वजह से जोरदार फॉल्ट होता है और भालू एक बम की तरह फट कर नीचे गिर जाता है। अब अगले इस वीडियो में ये बंदर बिजली के तारों के बीच खेलने लगता है। अब बंदर खेलते खेलते बिजली के दूसरे तार को पकड़ लेता है, जिससे कि बंदर के शरीर में करंट आ जाता है और वो दोनों तारों से चिपक जाता है। बंदर जब तक चिपका रहता है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अब मौत होने के बाद बंदर अपने आप ही नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सांप चिड़िया का शिकार करने के लिए इस बिजली के पोल पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि सांप चिड़िया को पकड़ पाता, उससे पहले ही वो इलेक्ट्रिक वायर से टच हो जाता है, जिससे कि सांप को बहुत ही जोरदार झटका लगता है और वो भी पटाखे की तरह फटकर नीचे गिर जाता है। इस क्लिप के अंदर ये दो बर्ड इस पोल के ऊपर बैठी रहती हैं, लेकिन इनमें से जैसे ही एक बर्ड इस बिजली के खंभे पर एक ओपन वायर को अपनी चोंच से टच करती है, उसे तुरंत ही एक जोरदार झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इस मंकी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। ये मंकी इस तरीके से बिजली के तारों के बीच फंस जाता है, जिसमें कि करंट दौड़ रहा है। मंकी बहुत ही बुरी तरीके से इन तारों से चिपका रहता है और वो अपने आप को यहाँ से नहीं निकाल पाता है और धीरे धीरे बंदर बिजली के करंट से वहीं पर ही मर जाता है। अब यहाँ पर ये बंदर एक तार को पकड़कर दूसरे तार के सर्किट पर बैठ जाता है, जिससे कि ये बंदर इन दोनों तारों के बीच चिपक जाता है और वहीं तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस बिल्ली को देखिए, जिसे आज ही मौत आने वाली है, इस वजह से ये बिजली के इस खंभे पर चढ़ गई है और ये बिल्ली जैसे ही बिजली के तार को छूती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो तुरंत ही जलकर नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर इस पैंथर को उसकी मौत बुला रही थी, जिस वजह से ये बिजली के पोल पर चढ़ गया था। बेचारा ये पैंथर यहीं पर ही चिपक कर मर जाता है। फिर बाद में बिजली विभाग वाले आते हैं और इस मरे हुए पैंथर को नीचे उतारते हैं। अब यहाँ पर एक साथ सैकड़ों बर्ड बिजली के तारों पर बैठ जाती हैं। अब तारों पर वजन ज्यादा होने से ये तार नीचे की ओर झुक जाते हैं और वे एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिससे कि एक जोरदार फॉल्ट होता है और कई सैकड़ों बर्ड वहीं पर ही जलकर मर जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसे हादसों को रोका जाए। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नई वीडियो में। ओके बाय।